सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज हम संस्कृत में चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज इस पूरा का पूरा चैप्टर आज इस क्लास में हम पढ़ लेंगे। देखिए, इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं अपने आस पास की वस्तुओं पशु पक्षियों के नाम संस्कृत में। सबसे पहले यहाँ पर हम पशु पक्षियों के संस्कृत में नाम की जानकारी यहाँ पर लेंगे कि पशु पक्षियों को हम संस्कृत में किस नाम से पुकारते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका फर्स्ट चैप्टर, क्योंकि इससे बार बार एग्जाम में प्रश्न आते ही आते हैं। तो यहाँ पर इससे एग्जाम में प्रश्न आते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, पशु वर्ग की अगर हम बात करें तो खरगोश को हम संस्कृत में कहते हैं शशका, एग्जाम में कई बार पूछा है। इसके बाद गीदड़ को कहते हैं श्रृंगालह, नील गाय को कहते हैं गवया, बंदर को बानरह या मरकट, दोनों याद रखिए। फिर है बाघ, बाघ को व्याघ्र या शार्दूल कहते हैं। फिर है भालू, भालू को भल्लूका कहते हैं। शेर को सिंगा कहते हैं। सुअर को सुकरा या वराह कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। घोड़ा को अश्व या शक्ति कहते हैं। इसके बाद देखिए, हाथी को गजह हस्त या कुंजरा कहते हैं। बकरी को अजा कहते हैं, ये भी एग्जाम में बहुत पूछता है बकरी। हिरन को मृगा या कुरंग कहते हैं। दरियाई घोड़ा को जलाश्व कहते हैं। बैल को वृषभ कहते हैं, वृषभ बहुत एग्जाम में पूछता है, वृषभा। बैल को संस्कृत में क्या कहते हैं, वृषभा। इसके बाद देखिए, भैंस को कहते हैं महीसी, ये भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, भैंस को संस्कृत में कहते हैं महीषी। फिर भेड़िया को वृका, भेड़ को मेषा, लोमड़ी को लोमशा, वन मानुष को वन मनुष्य, कुत्ता को कुकुरह, गैंडा को खड़ंगी या फिर गंडका, कुतिया को शर्मा या शुनी, कन खजूरा को कर्ण जलोका, ऊंट को उष्ट्रह कहते हैं, गाय को धेनु या गौ कहते हैं, बकरा को अजह कहते हैं, बिल्ली को मरजारा या बिडाला कहते हैं और गधा को गर्धवा कहते हैं। एग्जाम में ये भी पूछता है गर्धवा। अब यहाँ पर हम पक्षियों के नाम देखेंगे, तो देखिए, उल्लू को उल्लूका कहते हैं, कबूतर को कपोता कहते हैं, कोयल को पिका कहते हैं, गौरैया को चटका कहते हैं, गरुड़ को गरुड़ा कहते हैं, गिद्ध पक्षी को गृद्धा कहते हैं, सारस को कौंचा कहते हैं, शुतुरमुर्ग को उष्ट्र पक्षी कहते हैं। इसके बाद चकवा को चक्रवाका, चमगादड़ को जतूका, तोता को शुका, ये तो याद ही रखिएगा, शुका है मतलब तोता, पपीहा को चातका, मैना को सारिका, एग्जाम में बहुत पूछता है मैना को संस्कृत में क्या कहते हैं, सारिका कहते हैं। फिर है मुर्गी को कुक्कुटी, हंस को हंस या मराला, मोर को मयूरा। अब देखिए, यहाँ पर आसपास की वस्तुओं के नाम, यहाँ पर अब हम अन्नों के नाम देखेंगे, तो देखिए, अनाजों में अनाज को हम संस्कृत में कहते हैं अन्नम, अरहर को ओडकी या तुवरी, आटा को अंटम या चूर्णम, उड़द को माशा कहते हैं, उड़द को क्या कहते हैं, माशा, जौ को यवा कहते हैं, तिल को तिला, दाल को द्विदाला दाली या द्विदलम कहते हैं, बाजरा को वज्रकह बर्जरी या प्रियंगू कहते हैं। ठीक है, बाजरा को वज्रकह बर्जरी या प्रियंगू कहते हैं। गेहूं को गोधूमा कहते हैं, गेहूं को क्या कहते हैं, गोधूमा कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूपी टेट के एग्जाम में भी एक साल पूछा हुआ है कि गेहूं को संस्कृत में क्या कहते हैं। चना को चड़का कहते हैं, चावल को तंडुला कहते हैं, मृगा को मृदगह कहते हैं, सरसों को सरसप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सरसों को सरसप, मक्का को मकाय या मकीजा, मटर को हरेड़ू या कलाय, मसूर है मसूर को मसूरा और बेसन को चड़क चूड़म कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए, अब सब्जियों के नाम, शाक सब्जियों के नाम, तो अरबी को हम सृसिकालू या आलू की कहते हैं, आलू को आलू, ककड़ी को करकटी या चरभटी कहते हैं, कटहल को पनसा, कटहल को पनसा कहते हैं, याद रखिएगा, कद्दू को कुष्मांड कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, केला को कारवेलम कहते हैं, गोभी को गोजीवा कहते हैं, टमाटर को रक्त वृंतकम रक्तागह कहते हैं, चुकंदर को पालंग शाक कहते हैं, मूली को मूलिका मूलकम कहते हैं, मिर्च को मरीचम कहते हैं, मशरूम को छत्राकम कहते हैं, लोबिया को वन मुदग कहते हैं, लोबिया को, बैंगन को बुंताकम या भंटाकी कहते हैं, सलजम को शिखा मूलम या श्वेत कंदह कहते हैं। तो याद रखिएगा, सलजम को शिखा मूलम या श्वेत कंदा कहते हैं, अदरक को क्या कहते हैं हम, आद्रकम कहते हैं, आद्रकम, आलू बुखारा को आलूकम, गाजर को गुंजनम, तोरई को
कोशातकी या जालिनी, धनिया को धान्याकम, परवल को पटोला, पुदीना को अजगंधा, पालक को पालकिया या पालकी, टिंडा को टिंडिशा, पत्ता गोभी को शाक प्रवेदा हरितम, भिंडी को भिंडिका राम कोशातकी, प्याज को पलांकु, मटर को कलायह, बथुआ को वास्तुकम। अब यहाँ पर हम फलों के नाम देखेंगे। दोस्तों देखिए, अनानास को हम अनानासम या पर्वती फलम कहते हैं, अनार को दाड़िम कहते हैं, एग्जाम में बहुत पूछता है अनार को संस्कृत में क्या कहते हैं, नाशपाती को अमृत फलम कहते हैं, अंगूर को द्राक्षा फलम कहते हैं, अंगूर को द्राक्षा कहीं कहीं आपको मिलेगा, अंजीर को अंजीरम या अद्रालू कहते हैं, अमरूद को बीजपुरम या आमलम कहते हैं, आम को आमरम, आम्रकारम, सहकारा कहते हैं, केला को कदली फलम कहते हैं, अखरोट को अछोटम कहते हैं, चीकू को चीकुलम कहते हैं, जामुन को जम्बू फलम कहते हैं, नारंगी को नारंग फलम कहते हैं, नींबू को नींबूकम कहते हैं, शरीफा को सीता फलम कहते हैं। इसके बाद देखिए, संतरा को नारंगम, संतरा नारंगी कलर का होता है तो उसको नारंगम कहते हैं, सेब को सेबम, लीची को लीचिका, बेल को बिल्वम और मकोए को स्वर्ण छीरी कहते हैं, मौसमी को मातुलुंगम कहते हैं, नींबू को नींबूकम जंबीरम, तरबूज को कालिंगम, खजूर को खरजूरम, आंवला को आमलकम कहते हैं, कैथा को कैपिथ, करौंदा को करमर्दक, कत्था को खदिरा, आड़ू को आर्दालू, इमली को तितिड़िकम या अम्लिका कहते हैं, खरबूजा को वृत्त करकटी कहते हैं, गूलर को उदुम्बरम कहते हैं, महुआ को मधुका कहते हैं, नारियल को नारिकेलम, पपीता को मधुकरकटी, बेर को बदरी फलम, तरबूज को उर्वारुकम या कालिंगम, मौसमी को मातुलुंगम और जामुन को जम्बू फलम। ये भी आपने देखा भी है। अब इसके बाद देखिए संबंध, संबंध हमारे आसपास जो हमारे संबंध होते हैं, हमारे सगे संबंधी जैसे हमारे माता पिता, भाई बहन, हमारे आसपास हमारे मित्र मंडली, हमारे चाचा चाची, बुआ फूफा, इन सभी को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो माँ को मातृ कहते हैं, पिता को पितृ या जनका कहते हैं, पत्नी को पत्नी या दारा, चचेरा भाई को पितृवज्या या पितृव्य पुत्रा कहते हैं, चचेरी बहन को पितृव्यजा या पितृव्य पुत्री कहते हैं, भांजा को भागिनेय, बहुत एग्जाम में पूछता है भांजा को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो भागिनेय कहते हैं, चाचा को पितृव्य, चाची को पितृव्या, छोटा भाई अनुजा, छोटी बहन अनुजा, जमाई या दामाद को जा माता या जा मात्री कहते हैं, जेठानी को ज्येष्ठा, जेठ को ज्येष्ठा, ताऊ को तातः, ताई को ज्येष्ठ पितृव्या, दादा को पितामह, दादी को पितामही, एग्जाम में बहुत बार पूछा है, नाना को मातामह और पुत्रवधू को स्नुषा कहते हैं, नानी को मातामही कहते हैं, पोता को पौत्रा कहते हैं, पोती को पौत्री कहते हैं, बहू को वधू कहते हैं, बेटा को पुत्र या सुता, बेटी को पुत्री या दुहिता, बड़ी बहन को अग्रजा, बड़े भाई को अग्रज और छोटे भाई को अनुज कहते हैं, छोटे भाई को क्या कहते हैं, अनुज कहते हैं, पुत्री का पुत्र दौहित्र, भाभी को भातृजाया, भतीजा को भातृजा, मामा को मातुला, इसके अलावा मामी को मातुली, नाती को नपता या नपत्री, साला को श्याला, ससुर को स्वश्रु या स्वसुरा, सास को स्वश्रु और बेटा को आत्मजा कहते हैं। अब यहाँ पर हम शरीर के अंगों के नाम देखेंगे, तो अंगूठा को हम कहते हैं अंगुष्ठ, आंख को नेत्र या नयनम कहते हैं, अंगुली को अंगुल्य कहते हैं, ओंठ को ओष्ठ कहते हैं, कमर को कटी कहते हैं, कान को कर्ण कहते हैं, बाल को केशा कहते हैं या केश कहते हैं, कंधा को स्कंधा कहते हैं, गर्दन को ग्रीवा कहते हैं, गला को कंठ कहते हैं। तो आप देखोगे जो शरीर के अंगों के नाम है, इसमें से मैक्सिमम हमें पता होता है कि गाल को देखिए कपोल कहते हैं, ये एग्जाम में पूछता है, हाथ को हस्त कहते हैं, जीभ को जिह्वा कहते हैं, पैर को पाद या चरणा कहते हैं, नाक को नासिका कहते हैं, खोपड़ी को मानव कपाला कहते हैं, रीढ़ की हड्डी को कशेरु कहते हैं, कशेरु, कमर को कटी, पीठ को पृष्ठम और दांत को दंताह कहते हैं। अब आसपास की वस्तुओं के नाम संस्कृत भाषा में, तो कमरा को हम कक्ष या कोष्ठ कहते हैं, जैसे कि कक्षा कहते हैं नहीं हम क्लासरूम को, तो इसी प्रकार से कमरा को संस्कृत में कक्ष कहते हैं या कोष्ठ कहते हैं। इसके बाद देखिए,
संसार को जगत, कपड़ा को करपट, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है 2016 के यूपी टेट के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। मुझे आज भी याद है क्योंकि जब मैंने पेपर दिया था यूपी टेट का पहली बार 2016 में, तो ये परीक्षा में पूछा हुआ था। इसके बाद मेज, लेखा धारा, कागज, कागद, कालिक, काजल या कज्जलम, अंगोछा, अंग रक्षकम, बिछौना, आस्तर, आस्तरणम, त्रिशाम, घास, हार, कष्टहारा, एक लकड़ी की टोकरी, कंडोला। अब कुछ सामान्य जीव जंतुओं के नाम संस्कृत में, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, सोना को हम क्या कहते हैं संस्कृत में? कनका या स्वर्ण कहते हैं। गेंद को कंदुकम कहते हैं, बहुत एग्जाम में पूछता है। चालाक को चतुर कहते हैं। मशाल, टॉर्च को हम करदीपा कहते हैं। पूरी बाजू की शर्ट को कंजुकम कहते हैं। कैंची को करतरी कहते हैं। झील को कासारा, दरवाजा को द्वारम, खेल को क्रीड़ा, गीला को क्लीना, विकलांग या लंगड़ा को खंजा और खिड़की को गवाक्ष कहते हैं। इसके बाद देखिए, कपूर को कर्पूरा या कर्पूर, किसान को कृषिका, कवि को कव्या, बरगद का पेड़ को वट वृक्ष, कायर को कापुरुषा, बढ़ई को तक्षक, लकड़ी का टुकड़ा को काष्ठ, रस्सी को रज्जुह, पलंग को पर्यकम, मोमबत्ती को सिक्ति वर्तिका, फ्रिज को शीतकम, नर्स को उपचारिका, समाप्त को उपरतम, रेस्तरा को उपाहार गृहम, तबला को ऊर्ध्वक, चमक को उल्लह और थर्मस फ्लास्क को उष्ण रक्षकम कहते हैं, यानी कि जिसमें जो बर्तन होता है, जो थर्मस वाला थर्मस होता है, उसमें हम कोई चीज रखते हैं तो वो गर्म रहता है। अगर गर्म चीज रखेंगे तो वो गर्म रखेगा उसको कुछ देर तक। पहाड़ को गिरी कहते हैं, घर को गृहम, गांव को ग्रामम, घड़ा को घटा, कसाई को धातुका, घी को घृतम कहते हैं, शोर को घोषम कहते हैं, वॉशिंग मशीन को छालन यंत्रम कहते हैं। छालन यंत्रम, वॉशिंग मशीन को क्या कहते हैं? छालन यंत्रम। कुआं को कूपा, पंखा को विद्युत व्यंजनम, मोबाइल फोन को जंगम दूरवाणी, जहाज को पोता जलयानम, नाव को नौका, जीप को दुर्गथान, एम्बुलेंस को रुग्णवाहिका, कुर्सी को आसन संदर्शिका और पर्दा को यवनिका कहते हैं। इसके बाद देखिए, पगड़ी को उष्णीषम कहते हैं, लहर को उर्मी ही कहते हैं, दवा को औषधम कहते हैं, साइकिल को द्विचक्रिका कहते हैं। याद रखिएगा, दो पहिए होते हैं साइकिल में, तो उसको क्या कहते हैं? द्विचक्रिका कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, ऑटो रिक्शा को त्रिचक्रिका कहते हैं। ऑटो रिक्शा जो टेम्पो होता है, ऑटो होता है, उसमें तीन पहिए होते हैं, इसलिए इसको त्रिचक्रिका कहते हैं। स्कूटर को सचेत्र कहते हैं, धन को अर्थम कहते हैं, आधा को अर्धम कहते हैं, आलसी को अलसा कहते हैं, समझ को अवगम कहते हैं, बेदाग को अवच्य कहते हैं, घिनौना को अवरम, निर्दयी को अवाच्य, निडर को असंक, भोजन को ओदनम, बेकाबू को अशमह, पत्थर को प्रस्तरा, चीनी को सरकरा कहते हैं, चाबी को कुंजिका, टेलीफोन को दूरवाणी, तकिया को उपधानम, कंपनी को संसर्गा, चावल को तंडुला, पीपल के वृक्ष को अश्वत्थ, बेहोश को असंप्रज्ञात, वर्ष को आपदा। इसके बाद देखिए, आम को आमरम कहते हैं, सादगी को आर्जवम कहते हैं, बारिश को आवृष्टि कहते हैं, गन्ना को इच्छु कहते हैं, इच्छा को ईहा कहते हैं, रिश्वत को उत्कोचा कहते हैं, खराब को उत्सन्नम कहते हैं, पेट को उदरम, पेट को क्या कहते हैं? उदर या उदरम। माली को उद्यान पालका कहते हैं, पेठे की मिठाई मिठाई को क्या कहते हैं? कौश मांडक। अब देखिए, छाता को छत्रम कहते हैं, नमक को लवणा कहते हैं, लवण, गुलाब पाटलम, तराजू को तुला कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तराजू को संस्कृत में क्या कहते हैं? तुला कहते हैं। साग सब्जी को शाक कहते हैं, नीम को निम्बह, देवदार को देवदारूह, सिंघाड़ा को क्या कहते हैं? सिंगाटकम, क्या कहते हैं? सिंगाटकम, हर सिंगार को सेफारिका, धुआं धूमा, धुआं को संस्कृत में धूमा कहते हैं। अब देखिए, कौवा को क्या कहते हैं? काकह, आपने देख लिया। चूहा को मूषका कहते हैं, एग्जाम में पूछता है, जैसे हम भोजपुरी भाषा में या अपनी बोलचाल की भाषा में अवधि में चूहा को मूस कहते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए ये क्या हो गया? मूषका हो गया। बिल्ली को
विद्यालय हम क्या कहते हैं, बिलार कहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो संस्कृत भाषा है वो हमारी हिंदी भाषा की जननी है, और भोजपुरी भाषा भी वहीं से आई है। फिर है कुर्सी, तो कुर्सी को हम आसंदिका कहते हैं, यहाँ पर आसंदिका, आसंदिका। दोस्तों इस तरीके से मैं लिख के दिखा दे रही हूँ आपको, आसंदिका। तो यहाँ पर कुर्सी को आसंदिका कहते हैं संस्कृत में। इसके बाद देखिए लकड़ी को काष्ठ कहते हैं, काष्ठ मीन्स लकड़ी। झील को कासारा, पेड़ को वृक्षा, और दर्पण को आदर्श या मकुर, मकुरा भी कहते हैं या मकुर भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर कुछ और शब्द हैं, देखिए पंडित को पंडिता कहते हैं, सूर्य को सूर्य, कवि को कवि, छात्र को छात्र, भूपति को भूपति, कलम को कलमम, इस तरीके से जल को जलम, बालक को बालकम, फल को फलम, विद्यालय को विद्यालय, वानर को वानर, पुस्तक को पुस्तकम, इस तरीके से भी हम संस्कृत में चेंज करते हैं। इसके बाद शरीर के अंगों के नाम तो आपने देखा ही है, यहाँ पर भी इस तरीके से देखिए कहाँ पर आंख है, कहाँ पर, इस तरीके से बच्चों को हम आसानी से, बच्चों को एक चार्ट दिखा देंगे तो और उसको बना करके लिख देंगे कि कहाँ पर आंख है, कहाँ पर ओंठ है, कहाँ पर गाल है, और इसको आंख को संस्कृत में क्या कहते हैं, ओंठ को संस्कृत में क्या कहते हैं, गाल को संस्कृत में क्या कहते हैं, पेट को इसे उद्रम कहते हैं, नाखून को नखा कहते हैं, हाथ को करह कहते हैं, रीढ़ की हड्डी को कशेरु कहते हैं, दांत को दंत कहते हैं, कान को कर्णम कहते हैं, मस्तक को ललाटा कहते हैं। एग्जाम में पूछता है कभी कोई, मस्तक को संस्कृत में क्या कहते हैं, ललाट कहते हैं, बाल को केशा कहते हैं। अब चलिए यहाँ पर कुछ प्रश्नों के उत्तर हम देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, यहाँ पर केकड़े को संस्कृत में क्या कहते हैं, कुलीरा, कुर्मा, मत्स्य या फिर झशह। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुलीरा। फिर है इसके बाद क्वेश्चन नंबर टू, गृह गोधिका का हिंदी अर्थ क्या है। गृह गोधिका, कालीन, कमरा, छिपकली या कोई नहीं। तो ये हम कहते हैं छिपकली को, छिपकली को कहते हैं संस्कृत में गृह गोधिका। फिर यहाँ पर देखिए आसान सा प्रश्न है, काकह का हिंदी नाम है, बिल्ली, लकड़ी, चूहा या कौवा। तो कौवा को हम काकह कहते हैं। फिर आ जाइए यहाँ पर, यवनालह का अर्थ है, यवनालह का हिंदी अर्थ क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्वार, ज्वार को हम यवनालह कहते हैं। फिर केला का संस्कृत रूप, केला को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो कदली फलम कहते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर सिक्स है, जामाता का हिंदी अर्थ है, तो जामाता, जमाई को कहते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन है, नकुलह का हिंदी अर्थ है, तो नकुलह मतलब यहाँ पर नेवला हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर ये सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर एट है, कैंची का संस्कृत रूप है, तो कैंची को हम कर्तरी कहते हैं, ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नाइन है, नर्स का अर्थ है, तो नर्स को हम संस्कृत में कहते हैं उपचारिका, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टेन है, उर्मी का अर्थ है पगड़ी, दवा, लहर या कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लहर। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लिया। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ये जो पूरा का पूरा क्लास है आपको पसंद आया होगा, पहला क्लास संस्कृत का कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, क्लास को शेयर करिएगा जिससे आपके भाई बहनों तक ये वीडियो जाए और समझ में आए सबको कि अब क्लासेस शुरू हो गई हैं संस्कृत की भी। तो थैंक यू सो मच। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको फर्स्ट पेपर के सारे क्लासेस की लिंक मिल जाएगी। फर्स्ट पेपर मैंने पूरा पढ़ा के खत्म कर दिया है, तो अपना बाल विकास अच्छे से आप लोग पढ़ डालिए। और बाल विकास की अब राजन सीरीज, पवन सीरीज को भी मैं सॉल्व करवाने जा रही हूँ क्योंकि वो मैंने पूरा पढ़ा दिया आप लोगों को। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल से बने रहिए और सारे क्लासेस को देखते रहिए। सिलेबस मैंने पहले ही बता दिया था कल, तो उसको भी देख लीजिएगा आप लोग क्या क्या आपको संस्कृत में पढ़ना है। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।